बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कम्युनिटी किचन और आवागमन के लिए नाव समेत पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन को निर्देश। बिहार के मिथिलांचल में कोसी का कहर, दरभंगा में बांध टूटने से बाढ़ की चपेट में कई गांव, लोगों की आबादी प्रभावित। गांव में पानी आने के बाद लोग सड़कों पर किसी तरीके से गुजारा करने को मजबूर, लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें, पीड़ितों को सरकारी मदद का इंतजार। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ से बिगड़े हालात, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार चला रही है रेस्क्यू, अभी भी पानी से घिरे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग। बिहार के बेतिया में टूटा पीडी रिंग बांध, कई गांव में घुसा पानी, अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। बाढ़ की चपेट में बिहार के 16 जिले, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज समेत कई इलाकों में बाढ़, करीब 10 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। बिहार के बेतिया में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़कर मचान पर रहने को मजबूर हुए लोग, पश्चिम चंपारण के दर्जनों गांव में बाढ़ से लोग बेहाल। सहरसा के कोसी का कहर, नोहट्टा प्रखंड में बाढ़ के पानी के साथ बह गई सड़क, इलाके के दर्जनों गांव के लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। बिहार के मधेपुरा में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने पर नदी में आया उफान, नदी से लगते तटीय इलाकों में आई बाढ़, खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबी, सड़कों पर पानी भरने से बड़ी मुश्किलें। मोतिहारी में भी बाढ़ का सितम, सिकरहना नदी के उफान पर बहने से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़। गोंडीगवा गांव के वार्ड नंबर 1 में रिंग बांध टूटा, निचले इलाकों में आई बाढ़। अपनी रिवॉल्वर की गोली से घायल हुए अभिनेता गोविंदा, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के मुताबिक अलमारी में रखते वक्त जमीन पर गिरा रिवॉल्वर, जमीन पर गिरने से हुआ मिसफायर, गोविंदा के घुटने के नीचे लगी है गोली। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने एबीपी न्यूज से कहा, ऑपरेशन सफल रहा, 24 घंटे तक आईसीयू में रहेंगे गोविंदा। जिस कमरे में गोविंदा को गोली लगी उस कमरे का पंचनामा करेगी मुंबई पुलिस, कमरे में किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर पुलिस ने लगाई रोक, गोविंदा के मैनेजर और बेटी रीना का बयान दर्ज करेगी पुलिस। अस्पताल में भर्ती गोविंदा से मिलने पहुंचे उनके भतीजे विनय, कहा अब हालत बिल्कुल ठीक है, अस्पताल में बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। रांची से पहुंची एनआईए टीम ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में की है रेड, माओवादी कनेक्शन को लेकर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है, 11 बजे तक 28.12% मतदान, उधमपुर में सबसे ज्यादा 33.84% वोट पड़े, सांबा सेक्टर में भी 31.50% मतदान। जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लगी लंबी कतार, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परिवार के साथ डाला वोट, बोले 50 साल बाद बाकी प्रदेशों की तरह 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोगों से मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है वोटिंग, गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान, सबसे पहला वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे गुलाम नबी। गुलाम नबी आजाद ने लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, कहा 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए जो लोग कहते थे कि चुनाव नहीं हुए अब उन्हें बाहर आना चाहिए, वोट देना चाहिए। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की मां भी वोट डालने पहुंची, लोकतंत्र के महापर्व में दी अपनी भागीदारी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इंजीनियर रशीद ने कहा चुनाव में एआईपी की स्थिति मजबूत रही तो केंद्र सरकार पर धारा 370 वापसी के लिए डाला जाएगा दबाव, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग खुद को समझें आजाद। जम्मू में पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने डाला वोट, धारा 370 हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर बना है, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार हमने खत्म किया।